देखिए, किसी भी संख्याओं का अगर स्क्वायर निकालना हो जिसके अंत में क्या हो 5 हो, तो आप सिर्फ 2 सेकेंड में निकालोगे, जैसा कि आप थंबनेल में पढ़े हो। जी हाँ, सिर्फ 2 सेकेंड लगेगा और आसानी से निकाल करके बता दोगे, क्योंकि देखिए एग्जाम में हमारे पास उतना टाइम रहता नहीं है, कम समय में हमें क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ता है। इसके लिए हमें सिर्फ 2 सेकेंड में ही, अगर जिस संख्या के लास्ट में 5 होगा, आसानी से हम कम समय में 2 सेकेंड में आसानी से स्क्वायर निकाल लेंगे। देखिए मैं बताता हूँ, कोई भी एग्जाम्पल लीजिए, ठीक है। उससे पहले इस चैनल पर आप सभी को स्वागत है, इसलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए एग्जांपल लेते हैं, जिसके अंत में क्या हो 5 है, जैसे कि मान लीजिए कि ये 50 लिए, ठीक है, इसके लास्ट में क्या है 5 है, इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। देखिए सिर्फ 2 सेकेंड आपको समय देना पड़ेगा और 2 सेकेंड के अंदर क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। जैसे ले लीजिए कितना लिए 15, यानी कि 50 लिए, और इसका स्क्वायर कितना होता है, सिर्फ इसका स्क्वायर लिखना है, इसका स्क्वायर कितना होगा 25 लिख दीजिए। और ये जो सेकेंड वाली नंबर है 1, इसके बाद वाली संख्या से गुणा करके लिख दीजिए, यानी कि 1 के बाद वाली संख्या कितना होगा 2 होगा, 1 2 जा क्या होगा 2, यानी 15 का स्क्वायर कितना आ गया 225, क्या, और 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। तो किसी भी संख्या जो जिसके लास्ट में 5 हो, उसका इसी ट्रिक से हम आसानी से बना सकते हैं। अगर अगला नंबर लीजिएगा 25, तो इसका भी सेम कीजिए, 5 का स्क्वायर कितना होगा 5 5 25, जो आता ही होगा, एकदम सिंपल है। इसके बाद वाला संख्या, यानी इसके बाद वाला संख्या से इस संख्या को बाद वाला संख्या से गुणा करके लिख देना है। 2 को 3 से करेंगे, 3 बाद वाली संख्या 3 होगा, 3 गुना 6 कितना होगा 625, यानी कि 25 का स्क्वायर कितना होगा 625, गुना कर लो आसानी से निकल जाएगा, क्या। तो इस तरह से कोई भी संख्या, एक और संख्या लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ लेते हैं 35, इसका 5 का अगर हम स्क्वायर करेंगे 25, और ये 3 के बाद वाला संख्या से गुणा करके लिख देंगे, ठीक है, तो 3, इसके बाद वाला संख्या 4, 3 चौके 12, यानी कि 35 का स्क्वायर जो होगा 1225 होगा, कर लो, कर देख लो, ठीक है। और नेक्स्ट संख्या लेगा 45, तो 45 का अगर हम निकाल देते हैं तो 45 का हमारा कितना होगा, इसका भी वही सेम कर दीजिए, 5 का कीजिएगा तो कितना होगा 25 जा, और 4 के बाद वाली संख्या 5, तो 4 5 20, यानी कि 45 का होता है 2025, 2025 इसका स्क्वायर हुआ, स्क्वायर करके देख लो, गुणा करके देख लो, 2025 ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी संख्या जिसके अंत में क्या हो 5 हो, आसानी से ये ट्रिक से क्वेश्चन को बना सकते हो, समझ में आ गया। अब हम बताएंगे कि ऐसी 2 संख्या, कोई भी संख्या जिसके अंत में 2 4 6 7 कुछ भी रहे, उसका स्क्वायर हम 2 सेकेंड में कैसे निकालेंगे, उसका भी हम 2 सेकंड में निकालेंगे, क्योंकि मेरे पास टाइम कम रहता है और ये ट्रिक एग्जाम में काम देगा, क्योंकि आपके पास समय कम रहता है और क्वेश्चन ज़्यादा रहता है, इसके लिए आपको ये सब ट्रिक काम देगा। तो चलिए उस क्वेश्चन को देखते हैं, जिसके लास्ट में 5 ना भी रहेगा तो भी उसका स्क्वायर हम 2 सेकंड में ही निकालेंगे, ठीक है। देखिए मैं बताता हूँ कैसे उसका होगा। इसके लिए आप कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे मैं देखिए यहाँ पे मैं नंबर लिया, जैसे मान लीजिए कि हम 57 लिए, कितना ले लिए 57 लिए, अब इसके अंत में तो 5 नहीं है, अब इसका हमको स्क्वायर निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि आप 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, दोनों का स्क्वायर लिख दीजिए, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, ठीक है, 49 होगा। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको करना है स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर करना है ना, उसके बाद जितना है सबको क्या करेंगे गुणा करके लिख देंगे, ठीक है। 5 7 35, 35 होना क्या होगा 70, क्या होगा 70, उस पर प्लस आता ही होगा। और लिखना कहाँ से है, एक डिजिट छोड़ करके, एक डिजिट छोड़ करके हमें लिखना है, ठीक है, याद रहे एक डिजिट छोड़ करके लिखेंगे। अब सबको जोड़ दीजिए, 57 का स्क्वायर निकल के आ जाएगा, 9 4 12 2 कैरी करने के लिए 1 2 3, यानी 32 49, यानी इसका आ जाएगा 3 2 4 9, 3249 इसका आता है निकल करके, कर लो इतना आ ही जाएगा, ठीक है। इस तरफ कोई भी संख्या ले लो, 53 ले लेते हैं, 53 का करते हैं स्क्वायर। इसके लिए दोनों क्या लिखना है, स्क्वायर कर लिखना है, 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9। याद रहे एक चीज़, इसमें क्या होगा कि जैसे यहाँ पे हमारा 9 आया तो हम यहाँ पे जोड़ांक लगाएंगे, नहीं रहेगा कुछ तो क्या करेंगे 0 लगा देंगे, जोड़ांक रहना चाहिए, नहीं रहेगा तो क्या करेंगे 0 लगा देंगे, तो हो गया 25 0 9। और उसके बाद क्या करना है, सबको मल्टीप्लाई कर देना है, 5 3 15 15 2 9 30, और 30 जो लिखेंगे ये डिजिट छोड़ करके लिखेंगे। लास्ट में क्या करना है, प्लस कर दीजिए, लास्ट में क्या करना है, प्लस करना है, प्लस कर दीजिए 9 0 8 2, यानी इसका आ गया 2 8 0
नौ, 2809 इसका आएगा निकल करके, कर लो यानी कि 53 का स्क्वायर कितना होगा 2809। इस तरह कोई भी संख्या लोगे और भी हम संख्या ले सकते हैं, अगर हम ले लेते हैं 46, अगर स्क्वायर स्क्वायर करना है और 16 और 6 का कितना होगा 6 36। उसके बाद क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे सॉरी गुना कर देंगे, 6 4 24 24 गुना कितना हो जाएगा 48, 48 लिख दो, लास्ट में क्या करना है जोड़ देना है, 6 8 3 11 1 कैरी करने के लिए 1 बच गया, 6 4 10 1 11 फिर 1 फिर 1 है कितना होगा 2, यानी कि इसका निकल के आ गया 46 का 2 1 1 6 2116। कर लो इतना जरूर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह कोई भी एनी नंबर कोई भी संख्या रहेगा आसानी से हम कर सकते हैं, ये ट्रिक हमेशा काम देता है, क्योंकि ये ट्रिक अगर हम जान लेंगे तो एग्जाम में अगर पूछ दिया तो वहाँ पे हमें गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है, एकदम कैलकुलेटर की तरह, और क्योंकि शॉर्ट ट्रिक हमें हमेशा काम देता है, और स्क्वायर ट्रिक हो चाहे क्यूब ट्रिक हो, इससे पहले हम क्यूब ट्रिक दिए थे और ये भी ट्रिक क्यूब ट्रिक भी काफ़ी अच्छा खासा ट्रिक था, और एक स्क्वायर ट्रिक और दिए थे सबसे पहले, तो वो ट्रिक कुछ अलग था, लेकिन ये ट्रिक सबसे और शॉर्ट करके लाए हैं, इसमें सिर्फ आपको 2 सेकंड लगेगा, 2 सेकंड में कोई भी क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हो, कोई इस पर डाउट होना ही नहीं चाहिए, और आप जरूर समझ लोगे इस तरह से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। जिसके जिस संख्या के लास्ट में 5 था वो वाला ट्रिक भी काफ़ी अच्छा खासा है, एकदम शॉर्ट था, लेकिन अगर जिस संख्या के अंत पे 5 ना हो ये भी तो है, क्योंकि ज़रूरत नहीं कि 5 जिसके लास्ट में है वही उसी का एग्जाम में आएगा, कोई भी नंबर का आ सकता है, तो इसके लिए हमें ये ट्रिक भी क्या है काफ़ी आसान है, शॉर्ट ट्रिक है, इस ट्रिक की सहायता से आप क्वेश्चन क्या कर सकते हो बना सकते हो। जैसा कि अभी हम आपको ट्रिक दिए हैं वो ट्रिक आपको जरूर अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कर देना है, इस चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को शेयर कर देना, और ये ट्रिक हमेशा जो भी एग्जाम के स्टूडेंट जो भी एसएससी रेलवे जो तैयारी कर रहा है ग्रुप डी सब का स्टूडेंट उन लोगों के लिए ये ट्रिक काफ़ी अच्छा खासा